चलिए रफीक जी पूछना चाहूँगा, ये जो आपकी फिल्म है प्यार मोहब्बत विषय है, धर्म जुड़ा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा चैलेंज आपके लिए फिल्म राइट करना? यहाँ मैंने यहाँ ऊपर ही लिख दिया, मेरा मजहब तो मेरी दो हथेलियाँ बताती है, जुड़े तो पूजा और खुले तो दुआ कहलाती है। फिल्म का टाइटल है या अली बजरंगबली। मैं किसी धर्म या जाति को टारगेट न करते हुए दोनों की एकता और एक अलग लेवल की फिल्म बना रहा हूँ कि जिसमें पब्लिक को इंटरटेनमेंट के अलावा फिल्म में कहानी अलग, जब जैसे रेगुलरी भोजपुरी फिल्में बन रही है उससे थोड़ा हट के, थोड़ा अलग, थोड़ा लीक से थोड़ा हट के कुछ चीज़ें नई देखने को मिलेंगी, क्योंकि अभी आजकल वही सब प्यार मोहब्बत है या फिर पाकिस्तान है, तो उससे थोड़ा सा हट के कुछ अलग एक समाज के प्रति हमारा भी कुछ एक मतलब एक है, तो वो हिसाब से हम लोग वो हिसाब से फिल्म बना रहा हूँ, देखते भी आगे। चिंटू जी तो काफ़ी पुराने भोजपुरी इंडस्ट्री में, काफ़ी हाँ मैम के बारे में बताइए, वो नहीं है, कैसे गाइड करेंगे उनको बंगाली फिल्म? नहीं नहीं, वो बंगाली या गुजराती होने से कोई मतलब नहीं, शी इज़ वेरी गुड एक्ट्रेस, वो बहुत अच्छा है, मेरे लिए एक्ट्रेस होना बहुत ज़रूरी था और वो हमारे लिए आई बेचारी कोलकाता से, आज ही आई सुबह, और बहुत अच्छा लगा, एज एन एक्ट्रेस अच्छी है, इंसान अच्छी है, और इस फिल्म में उनका कैरेक्टर भी बहुत बढ़िया है, इसीलिए मुझे बहुत खुशी हुई कि ये मैडम आई हमारे लिए। ये आज हम लोग एक गाना कर रहे हैं अली, और इसका बेसिकली ये ड्रीम सॉन्ग है, और एक सौतन भैल तकिया, क्योंकि हीरोइन नहीं है तो तकिया लेके सो रहा है, तो वही हीरोइन को यह है कि तकिया मेरे सौतन हो गए। भैल बस सौतन तकिया हो लेके सोते लपियावा। अब हम तकिए से काम चलाओ तो रहनी है तो तबले हुआ के कह तारी कि तकिया से काय काम चलाओ तरह हमरा से चला वह नोक झोंक वाला गाना। बाकी हम ये कहें कि रफीक भाई हमेशा बहुत बेहतरीन काम कर ले बढ़े, और हमने पूरा हमनी सब के पूरा यूनिट के इनका पर तहे दिल से इन पर पूरा भरोसा हुआ, और उम्मीद भी हुआ कि बहुत ही बेहतरीन सिनेमा बनी है, और हम बस ये शुभकामना दें पूरा टीम के, और दरख्वास्त भी करें अपना पूरा भोजपुरी भगवान से, पूरा भोजपुरी दर्शक लोग से कि आप लोग अपना आशीर्वाद अपना प्यार ऐसे ही हम सब पर बनाए रखें, पूरी टीम पर बनाए रखें कि ताकि एक बेहतरीन सिनेमा बनने में आप सबका भी सहयोग मिले, आप सबका भी योगदान मिले, और मैं बस यही कहूँगा कि ये फिल्म जैसा कि रफीक सर ने कहा कि ये फिल्म किसी जाति या किसी धर्म के विरोध नहीं है या उनके साथ नहीं है या किसी धर्म प्रांत ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फिल्म सिर्फ हिंदुस्तान को दर्शाता है, जो हिंदुस्तान में जो एकता है, हिंदुस्तान हमारा देश एकता के लिए पूरे विश्व में माना जाता है, पूरे विश्व में जाना जाता है, उसी एकता का प्रतीक है ये सिनेमा, जो आपको नाम से भी आपको दर्शा रहा होगा या अली बजरंग बली, जिसमें दोनों शक्तियाँ आपको समान रूप से आपको एक साथ जिसका नाम आपको सुनने में मिलेगा, तो बस मैं यही कहूँगा कि इस फिल्म में आपको पूरा हिंदुस्तान देखने को मिलेगा, पूरे हिंदुस्तान के रंग देखने को मिलेंगे, पूरे हिंदुस्तान के कलर्स देखने को मिलेंगे, तो मैं बस जाते जाते आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि मुझे और मेरी और मनी की जोड़ी को आप सब लोग जैसा कि मेरे साथ बाकी हीरोइंस को पसंद किया है वैसे इन्हें भी पसंद करें, और रफीक जी को आप सब लोग शुभकामनाएं दें, हम सबको आप लोग शुभकामनाएं दें कि हम लोग एक बेहतरीन फिल्म बनाएं और आप सबके सामने प्रस्तुत करें। ये बॉम्बे और अभी गुजरात, इसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल अभी यहाँ पर बॉम्बे में दो गाना करेंगे हम, और उसके बाद आगे की शूटिंग हम लोग बड़ौदा गुजरात में करेंगे, तो वहाँ पर जो लोकेशन वगैरह है मुझे जो चाहिए था वो सारा लोकेशन वहाँ पर है, तो आगे की शूट वहाँ पर करें। और कलाकार कौन है? कलाकार कलाकार तो बहुत है अभी काफ़ी, अभी तो फिलहाल तो ये दो हीरो हीरोइन, क्योंकि बहुत बड़े लेवल्स की है, काफ़ी है अभी, जैसे करण पांडे है, ये है, बाकी और भी सारे बहुत सारे कैरेक्टर्स है, अपना मनोज टाइगर जी है, के है, बर्नवाल जी और भी है, और बहुत सारे कैरेक्टर्स है अभी फिल्म, क्योंकि बड़ी फिल्म है तो लोग 25-30 कैरेक्टर्स है, ये अब देखते हैं होली या फिर आगे पीछे कब होता है, फिलहाल अभी तो फिलहाल मैं फिल्म पहले बना लूँ अच्छे से, फिर उसके बाद प्रोड्यूसर और सब बैठ के देखेंगे कौन सा अच्छा पीरियड क्या अच्छा टाइम, इसको रिलीज़ करेंगे।